हेलो टू ऑल ऑफ यू आरएसआईटी लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं एक्सेल के कुछ प्रमुख फंक्शंस। फंक्शंस आपके सामने हैं, हम देखेंगे ऐड, मैक्स, मिन फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज, लेन, राइट, इफ एंड सम। ठीक है, इसमें से स्टूडेंट्स जो ऐड, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, ये जो आपके पाँच, ये तो बिल्कुल ईजी हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे फटाफट आपको, बट इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं फंक्शंस को कैसे, किस तरीके से ये फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप यहाँ पे सर्च में एक्सेल लिखिए, अदरवाइज आप विन आर अपने कीबोर्ड के जरिए विन और आर दो की को प्रेस कीजिए और उसके बाद वहाँ पे एक्सेल लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना ऐड का सम। तो देखिए, ऐड करना है इसे दो नंबर हमको। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई दो नंबर ले लिए 23 और सपोज मैंने एक और नंबर ले लिया यहाँ पे 25। ठीक है, अब मुझे इन दो नंबरों को ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूँगी इन दो नंबर के बाद, जैसे मुझे एडिशन का आंसर कहाँ चाहिए, ये इस वाले सेल पे चाहिए ना, इस जगह पे मुझे एडिशन का आंसर चाहिए, तो क्या करूँगी तीनों सेलों को कंटिन्यूसली मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, माउस के जरिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको एडिटिंग वाले ग्रुप में एक ऑटो सम मिलता है, तो यहाँ पे ऑटो सम पे जाइए और यहाँ पे सम जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आप इसके एरो बटन पे जाके सम पे क्लिक करिए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ यदि आपको एडिशन ही करना है तो आप नॉर्मली ऑटो सम पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपका ये एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सम हो जाता है। अब बात आती है सम के फॉर्मूले की, ये तो आपने डायरेक्ट किया, यदि आपसे पूछा जाए सम का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो सम है यानी एडिशन का जो आंसर है वो हमको कहाँ मिल रहा है, तीसरे नंबर के सेल पे, यानी कि D9 नंबर के सेल पे, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो सम का क्या हो रहा है, इक्वल सम D7 to D8, यानी D7 से D8 तक की जितनी वैल्यू है उसका क्या कर दो, सम कर दो। तो ये सम का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं और तरीके से आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा 28 और सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 30। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का एडिशन चाहिए और कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर। तो एक तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया है, ऑटो सम पे क्लिक कर दो डायरेक्ट ही या फिर एरो पे क्लिक करके सम पे क्लिक करो। दूसरा तरीका बताती हूँ फॉर्मूले वाला। देखिए, मुझे इन दो नंबरों का सम करना है, तो मैं यहाँ पर इस जगह आंसर चाहती हूँ ना, तो इस जगह मैंने अपना माउस लेकर आई हूँ। ठीक है, माउस लेकर आने के बाद ये कहलाता है फॉर्मूला बार। यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी इक्वल SUM सम, देन लगाऊंगी मैं ब्रैकेट। अब मुझे सम किसका करना है, 28 का, यानी जो इस सेल में डेटा रखा हुआ है मुझे उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये जो सेल है इस सेल का एड्रेस क्या है, तो ध्यान रखिएगा सेल का एड्रेस उसकी रो और कॉलम से आता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक यहाँ पे H12 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और, जब मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स दिख गया जिसमें सम नंबर वन नंबर टू बोल रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको सम फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना है। तो एक तरीके से ये जो बॉक्स है ये इंडिकेटर बॉक्स भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपन ने जैसे क्लिक करा वैसे ये जो सेल है इसका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने ले लिया H12। ठीक है, सेल का एड्रेस जानना तो कैसे पता करते हैं, तो देखिए कौन सी कॉलम का एच का और कौन सी रो है 12, तो ये जो सेल है वो कौन सा हो गया H12। ज्यादा ध्यान से देखना है तो देखिए यहाँ पे सेल का एड्रेस बारे वहां पर आपको H12 लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर आपको यहाँ पे यूज करना होगा कॉलन। ठीक है, और फिर आपको क्लिक कर देना होगा सेकंड नंबर के डेटा पर, यानी आपको सिर्फ उन सेल पे क्लिक करना है, सेल का एड्रेस ये ऑटोमेटिक ले लेता है और यहाँ पे लगा देना है आपको, मतलब ब्रैकेट को बंद कर देना है और इक्वल कर देना है। तो देखिए आंसर यहाँ पर आ चुका है, एक तरीका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीन तरीके सीख लिए सम के, एक तो आप ऑटो सम पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, एक एरो पे क्लिक करके सम कर सकते हो, एक आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो। अब यदि आपको कॉलन का यूज नहीं करना तो क्या करोगे, तो जैसे सपोज ये आपने दो नंबर ले लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे सम का आंसर चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वल इक्वल। ठीक है, अब आपको सम नहीं लिखना तो आप क्या करो, ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वो सिर्फ सेल के एड्रेस लिख दो। सेल के एड्रेस मतलब मुझे ये 74 है ना, इस सेल का एड्रेस यदि इसके अंदर लिखना है तो क्या करना होगा, जस्ट इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक सेल का एड्रेस आ गया। उसके बाद कर दो यहाँ पे प्लस, यदि आपने स्टार्टिंग में सम नहीं लगाया तो,
और फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेल को के ऊपर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक एड्रेस आ गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार में लास्ट में क्लिक करो और एंटर कर दो, तो देखिए आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कैलकुलेशंस आपके परफॉर्म होते हैं, इसी तरीके के फॉर्मूले हर जगह लगते हैं, ठीक है। तो ये आपने सम करना सीख लिया है। चलिए और भी चीजें सिखाती हूँ। सम के साथ साथ आपको अब सीखना होगा एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स एंड मिनिमम। ये आपके पांच फंक्शन आपको यहाँ से सीखने होंगे, ये यहीं से आ जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। अब हम एवरेज निकालना सीखते हैं। तो एवरेज कैसे निकलता है, जैसे कि सपोज तीन नंबर है 20, यहाँ पे 10 दे देती हूँ और यहाँ पे 5 दे देती हूँ, है ना। सपोज ये तीन नंबर का मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर होते हैं पहले आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी नंबर है 20, 10, 5, तो कितना हो जाएगा इनका जोड़, 35, ठीक है। अब 35 आंसर आ जाने के बाद जितने भी ये नंबर हैं टोटल उनसे डिवाइड कर दो। कितने अंक है टोटल, 3 अंक है, तो 35 डिवाइडेड बाय 3, तो 35 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका एवरेज कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं इनका एवरेज कैसे निकलना है। हमें एक्सेल में डायरेक्ट निकलता है, जस्ट जैसे हमने सम में किया था ना वैसे ही यहाँ करना है। सारे सेल को क्लिक करो, यहाँ आंसर चाहिए उसको सेल को भी सिलेक्ट कर लो और फिर चले जाओ यहाँ पर और यहाँ पे क्लिक कर दो जस्ट एवरेज, तो देखिए आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, अब ये जो नंबर्स हैं अभी तो तीन ही नंबर हैं, तो बड़ी आसानी से मुझे काउंट करने में बहुत सरलता हो रही है ना, क्योंकि तीन ही नंबर हैं। लेकिन मान लो ये नंबर हजारों में 2000 में होंगे तो क्या करूँगी मैं, तो उसके लिए सीधा सा काम है, आप इतने सारे नंबर लिखो, उनको ऐसे सिलेक्ट करो, लास्ट वाला सेल भी सिलेक्ट करो जिसमें हमको आंसर चाहिए और फिर यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे काउंट नंबर जस्ट क्लिक कर दो, तो देखिए 3 आंसर आ चुका है, ओके नाउ। अब मुझे देखना सपोज ये जितने भी नंबर है ना इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वैसे तो हमको पता चला 89, पर एक्सेल में हमको देखना है तो क्या करना होगा, ऑटो सम पे जाओ और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दो, आ गया सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब मुझे इनमें से छांटना है सबसे छोटा नंबर कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वैसे तो हमको दिख रहा है 2, लेकिन एक्सेल से हमको चाहिए तो ऑटो सम के इधर पे ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे मिन पे क्लिक कर दो, तो देखिए जो 2 है वो आंसर आपको यहाँ पर दिख गया, है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूले काफी सरल है ये आपके को आ चुके हैं आई होप, ओके नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी कई सारे फॉर्मूले, तो न्यू पेज हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं लेन, LEN वाला लेन फंक्शन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं लेन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। लेन फंक्शन होता है, आपने जैसे कोई भी स्ट्रिंग लिखी ना तो उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो कैरेक्टर पता करने के लिए, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, अब हेलो में कितने कैरेक्टर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी जितने भी अक्षर होते हैं ना वो उनके कैरेक्टर कहलाते हैं। तो H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, L एक कैरेक्टर है, L भी एक कैरेक्टर है, O भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 5। इस तरीके से कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब ये जो पूरी हेलो जो लिखा हुआ ना इस पूरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं और प्रत्येक एक एक जो चीज है यानी H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, L एक कैरेक्टर है, इस तरीके सब एक कैरेक्टर है और पूरे कैरेक्टरों का समूह एक स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। अब मुझे जानना है इसकी लेंथ कितनी है, तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ भी मुझे लेंथ का चाहिए कि भैया इस सेल पे मुझे पता चल जाए कि इसमें जो भी डाटा लिखा हुआ उसकी लेंथ कितनी है। तो जिस भी सेल पे मुझे आंसर चाहिए उस पर क्लिक करा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 51, फिर लिखा मैंने LEN, LEN के बाद मैंने लगाया ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, है ना, कर्सर मैं अंदर की तरफ लेकर आई हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, लिखा नहीं यहाँ पे, सिर्फ हेलो पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे E8 के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका मुझे लेंथ चाहिए, तो और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 5। अब इसको मैं डायरेक्ट भी देख सकती हूँ, डायरेक्ट देखने के लिए सपोज मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए 5, तो डायरेक्ट के लिए इसमें मैंने सेल में हेलो नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो मैंने लिखा इक्वल LEN ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्या मेरा अब आंसर 5 आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए लेकिन नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट से ही करती हूँ, एक गलती कर रही हूँ, क्या गलती करती हूँ मैं जस्ट आपको बताती हूँ। मैंने अभी ये लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है, इसमें एक गलती करी, इस कारण मेरे को यहाँ पे नेम जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, तो ध्यान रखिए जब भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए यानी आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, जब भी हम इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग खुद लिखते हैं ना फॉर्मूले में, तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमको लिखना होता है। तो इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैंने लिख दिया, अब देखो अब आंसर आ गया 5, ओके फाइन। अब हम देखते हैं राइट, राइट फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं,
तो राइट फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे कि सपोज कुछ लेटर लिखे हुए, जैसे कि सपोज यहाँ पे लिखा है एप्पल। अब ये तो आप जान ही गए, जब फॉर्मूले बार में हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हमेशा हमेशा और हमेशा हमको डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होता है। तो एप्पल लिख दिया, अब आपको लगाना होगा यहाँ पे कॉमा। अब मैं चाहती हूँ कि जो एप्पल लिखा हुआ है इसमें से केवल और केवल राइट हैंड साइड के तीन लेटर, ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड के तीन लेटर मुझे यहाँ पे इस सेल में लिखे हुए मिल जाए, तब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में राइट, यानी राइट हैंड साइड के तीन लेटर यानी पी एल ई सी को से मुझे इस सेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने एंटर किया तो देखिए पी एल ई लिखा हुआ मिल गया, फाइन ना। अब सपोज मुझे चाहिए एप्पल के सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के दो लेटर या तीन लेटर, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा लेफ्ट। अब अगर दो चाहिए तो यहाँ पे दो लिखो, तीन चाहिए तो यहाँ पे तीन लिखूंगी मैं, तो मैंने दो लिख दिया, एंटर करा तो देखिए सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के दो लेटर मेरे को यहाँ पर लिख गए, ठीक है। अब यदि एप्पल मान लो मेरा सेल में लिखा होता तब मैं क्या करती हूँ, मैं तो मैंने सेल में एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ भी मुझे चाहिए कि भाई तीन लेटर्स के यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, उस सेल पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, एड्रेस बार पर गई, सेम इक्वल का साइन लगाया। फॉर्मूला जब भी आपको लिखना हो तो स्टार्टिंग में आपको इक्वल लिखना होगा, राइट, क्योंकि मुझे चाहिए राइट हैंड साइड के दो लेटर, सिर्फ एल ई मुझे यहाँ पे चाहिए सपोज, है ना। तो ब्रैकेट लगा दिया, बाकी आप कैसे करना सीख ही होंगे। अब मुझे किसके चाहिए, एप्पल के ना, तो यहाँ तो या तो मैं यहाँ पे एप्पल लिखूँ या फिर यहाँ एप्पल लिखा हुआ सेल पे जस्ट मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ एप्पल लिखा हुआ सेल पे जस्ट मैंने क्लिक कर दिया, तो सेल का एड्रेस उसने ले लिया। अब जब मैं सेल का एड्रेस देती हूँ ना तब मुझे डबल इन्वर्टेड कोट्स वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन मैंने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे कितने चाहिए, सपोज दो लेटर चाहिए ना तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में अपने माउस को क्लिक करा और एंटर कर दिया, तो देखिए 2 आ गया। इसी तरीके से आप लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके यहाँ पे दो फॉर्मूले और बचते हैं, इफ और सम इफ, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।